हेलो एवरीवन, वेलकम टू शामाज मेकओवर। एंड आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ, सीखिए 40% स्टबन ग्रे हेयर कवरेज कैसे करते हैं। और साथ ही साथ इस कलर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी न्यूट्रलाइजेशन। अगर आप रूट्स की बात करते हो, यस, टुडे आई एम गोना शो यू बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर आई एम गोना टीच 40% ग्रे हेयर कवरेज। या तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 5.35 4 नंबर और लिटिल बिट ऑफ 3। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनका जो रूट्स के क्लोज, अगर आप देखोगे वो 4 का शेड था। मैं यहाँ पे 5.35 ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने 4 नंबर जो है 40% मिक्स करूँगी, 1/4, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे 60% हमने लिया 5.35, 4 नंबर लेंगे हम 40%, राइट। और उसमें हम 3 नंबर एक ड्रॉप मिक्स करेंगे। एज यू कैन सी हियर जी, 3 नंबर यहाँ पे हम लोगों ने 1 ड्रॉप ले लिया है। क्यों? बिकॉज शी हैज़ अ स्टबन ग्रे हेयर कवरेज। 20 वॉल्यूम डेवलपर के साथ मिक्सिंग रेशियो आपको पता ही है। 20 वॉल्यूम डेवलपर में जब भी आप करते हो मैजरल का कलर 1:1.5। सो गाइज, मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो लेके आई हूँ मैं। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे इट्स 9 मिनट्स वीडियो, और जहाँ मैं 20-25 मिनट्स की वीडियोस बनाती हूँ। जी हाँ, आज ये एक छोटा सा टॉपिक था जहाँ मैंने कवर किया है रूट टचअप एंड उसके बाद TTI मतलब टेक थ्रू इमीडिएटली ग्लोबल कलर सिखाऊंगी। आपको पता है सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट टचअप करना है। तो हेयर लाइन को अच्छे से कवर किया। एज यू कैन सी हियर हेयर लाइन कवर कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से कवर करते हुए राइट हैंड साइड पूरा ओवरऑल हेयर लाइन कवर करूँगी। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ गाइज, आप कहोगे मैम ने 5.35 में 5 नंबर का बेस क्यों नहीं यूज़ किया। मैं आपको बताती हूँ, मेरा है फ्लोर एक्सपीरियंस। मैं अपने फ्लोर एक्सपीरियंस से आप लोगों को सिखाती हूँ। यही अगर आप 40% ग्रे हेयर कवरेज की बात करते हो, अगर आप देखते हो थ्योरेटिकली, अगर आप बात करते हो तो क्या सोचोगे आप, है ना। 5.35 में 40% आप 5 ही लोगे, है ना। जो अब फैशन शेड है उसी का ही बेस होगा, पर मैं आपको बता रही हूँ कि वो ग्रे कवरेज नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने 5.35 में 4 और लिटिल बिट ऑफ 3। और ये है न्यूट्रलाइजेशन। आज मैं आपको सिखाऊंगी न्यूट्रलाइजेशन करने का भी तरीका कि कौन कौन से शेड आप यूज़ कर सकते हो। एज यू कैन सी वहाँ पे अगर आपने देखा ही होगा। सो नाउ बैक टू द पॉइंट, पहले आपने रूट टचअप करना है, हेयर लाइन को कवर करना है, और उसके बाद अगर आप बिगनर्स हो तो मेरे वीडियोस आप लोगों के लिए ही हैं। सो यहाँ पे पतला पतला सेक्शन लेते हुए, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते हुए आपने एप्लीकेशन करना है, राइट। तो जिस तरह से हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया और यहाँ पे एप्लीकेशन किया, यहाँ पे अगेन फिर मैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रही हूँ, फिर एप्लीकेशन कर रही हूँ। इस तरह से लेफ्ट साइड कंप्लीट करना है, राइट साइड कंप्लीट करना है, बैक से लेफ्ट, बैक से राइट, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल सेक्शन लेके आपने अच्छे से एप्लीकेशन करना है। पता है क्या है गाइस, शी इज़ माई वेरी रेगुलर क्लाइंट। इनका हेयर कट भी मैंने किया था, अभी कलर भी मैं लास्ट प्रीवियस भी मैं कर चुकी हूँ। ग्लोबल इनका एक वीडियो मैंने और बनाया था, वो जाके आप देख सकते हो। पर आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बेसिकली ये सिखा रही हूँ कि 40% ग्रे हेयर कैसे कर सकते हो कवरेज, और साथ ही साथ न्यूट्रलाइजेशन। तो जैसे कि कहने का मतलब है, देखो मैं दोबारा से थ्योरी रिपीट कर देती हूँ। 30% ग्रे हेयर कवरेज है तो 30% बेस और 70% फैशन शेड, जो हम सबको पता है। 40 से 50% है तो वैसे हाफ हाफ होता है, पर यहाँ पे मैं हाफ हाफ नहीं ले रही क्योंकि मैंने 3 नंबर लिया है, इसलिए मैं ड्रॉप मिक्स करूँगी। 4 नंबर 40% और 5.35 60% लोगे। लेकिन क्या वो ग्रे स्टबन जो ग्रे है वो कवर होगा? नहीं। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक ड्रॉप 3 अगर मिक्स कर देते हो तो सीरियसली बता रही हूँ गाइज, इतना बढ़िया कवर होगा ना आपका, आप खुद ही बोलोगे कि वाह मज़ा आ गया। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बिफोर एंड आफ्टर, कितना ब्यूटीफुली कवर हुआ है, 100% ग्रे हेयर कवरेज हुआ है। तो जिस तरह से मैं सिखाती हूँ ना, फॉलो करके देखो, एक बार काम करके तो देखो, मेरे वीडियोस देख के एक बार ये स्टार्ट तो करो काम करना। देखना आपका काम एक ना 100% बेटर और बेटर होता रहेगा। स्लोली स्लोली आप मेरे वीडियोस को देखिए एंड जस्ट यू कैन डू इट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे, पहले मैं जो पार्टीशन 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो पहले उस पार्ट को आपने अच्छे से एप्लीकेशन करना है। एंड देन लेफ्ट हैंड साइड को हॉरिजॉन्टल सेक्शन एप्लीकेशन, राइट हैंड साइड में भी हॉरिजॉन्टल साइड एप्लीकेशन करना है। सो कीप कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो। और हाँ गाइज, देर इज़ अ गुड न्यूज़। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेस के लिए, अपना हेयर कलर स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पे आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। आज भी हमारी क्लास है 9:30, 1-on-1 क्लासेस लेती हूँ, तो आप लोग ट्रायल सेशन ले सकते हो। आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके यू कैन जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर फॉर योर ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेस। यही एक सीज़न है, इस टाइम पे आप ट्रेनिंग लीजिए, और सीज़न आने वाले टाइम पे जब इतना बिजी हो जाओगे, जब अपने फ्लोर में काम करेंगे हम सब लोग, आप जानते हैं हम वी ऑल आर सो बिजी। सो जब आप फ्लोर में काम करोगे, आप उस वक्त डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए कि क्या करे क्या ना करे, है ना, ये कैसी मुश्किल आए। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आ ही जाता है हमारे साथ भी, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि भाई अगर 40% ग्रे है तो मैं क्या करूँ, पहले की बात बता रही हूँ। तो आप भी शायद अभी बिगनर्स हो, तो मेरे वीडियोस बिगनर्स आप लोगों के लिए होते हैं, वॉच एंड ग्रो। सो अगर आप जूम में ट्रेनिंग लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं ना, आप लोग और भी बढ़िया तरीके से सीखते हो। आप इतना परफेक्टली सीखते हो कि आई मीन लाइक आप सीरियसली थ्योरी बेसिक टू एडवांस में सिखाती हूँ, न्यूट्रलाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर टेक्निक्स, एवरीथिंग आई टीच ऑन माई ऑनलाइन क्लासेस। तो आप दिए नंबर पर कॉल कीजिएगा और कीप कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, देखते रहिए वीडियो को, जाएगा नहीं। ऑल्सो गाइज, अगर आप लोगों ने पहली बार मेरे चैनल में विजिट किया है, भाई इट्स रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिएगा, इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो हेयर कलर सीखना चाहते हैं, घर बैठे सीखिए एंड ग्रो कीजिए। सो यहाँ पे मैं ओवरऑल कंप्लीट कर चुकी हूँ एप्लीकेशन, और यहाँ पे मैं लेती हूँ 5.35 एंड मेजरल ग्लो D.22 जो कि है न्यूट्रलाइजेशन कलर। 5.35 मैं पहले लूँगी कलर, राइट। तो यहाँ पे मैं पूरा 1 ट्यूब कंप्लीट कर दूँगी, पूरे 1 ट्यूब लेना है। डिपेंड करता है कि यू नो हेयर की लेंथ पे कि कितना आप लेते हो। तो यहाँ पे मैं 50 ग्राम्स की ट्यूब ले रही हूँ, और यहाँ पे मेजरल ग्लो का D.21 मैं लूँगी, मेजरल ग्लो 21 मैं क्यों ले रही हूँ, थोड़ा सा लूँगी, 1/4 2 क्या करता है, येलो है, येलो 2 ना येलो को न्यूट्रलाइज करता है, 2 है वॉयलेट शेड जो येलो को न्यूट्रलाइज करता है, 1 जो है ब्लू है जो ऑरेंज को न्यूट्रलाइज करता है। मिक्सिंग रेशियो 1:1.5। यहाँ पर अगर ध्यान दोगे क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा सा येलो और ऑरेंज, इसीलिए मैं ये येलो और ऑरेंज दोनों को ही न्यूट्रलाइज करके एक अच्छा सा कलर देना चाहती हूँ, राइट। आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे 5.35, बट देयर इज नो पॉइंट, यू नो व्हाई, बिकॉज 5.35 से नो एग्जैक्टली वो शेड तो आ जाएगा बट बहुत जल्दी फेड हो जाएगा। पर अगर जब भी आप ये न्यूट्रलाइजेशन कलर मिक्स करते हो, इसके बाद कलर ना बहुत जल्दी फेड नहीं होता। आपका क्लाइंट रेगुलर विजिट करेगा आपके पास, वो आपके पास ही आएगा, घूम के आपके पास ही आएगा। इसीलिए कलर में ना कंजूसी मत करना, सारे कलर्स रखना शुरू करो। सॉरी बट बताना चाहती हूँ, ये मेजरल ग्लो के जो कलर्स है आप डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ सकते हो, अगर थोड़े बहुत स्टॉक है तो आप यू कैन जस्ट ऑर्डर दिस स्टॉक, बिकॉज अभी आई थिंक बैक से नहीं आ रहा है ये, बट या फिर भी अगर थोड़े बहुत स्टॉक है, अभी मेरे पास जो स्टॉक है मुझे तो ऑफकोर्स वो तो यूज़ करना ही है ना। और न्यूट्रलाइजेशन के लिए DIA लाइट्स के कुछ बूस्टर्स आए हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। DIA लाइट बूस्टर्स के बारे में मैं बनाऊंगी वीडियो, बहुत जल्दी बताऊंगी बूस्टर्स किस लिए यूज़ करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, बूस्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, सो यू कैन यूज़ इट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पूरा कंप्लीट करना है, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड में एप्लीकेशन करते हो, फॉर दैट देन यू हैव टू जस्ट वेन एवर यू अप्लाई द कलर मेक श्योर अच्छे से अप्लाई कीजिएगा, लेफ्ट एंड राइट साइड अच्छे से एप्लीकेशन होनी चाहिए, क्योंकि देखो गाइज एप्लीकेशन होगा तब भी आप क्लाइंट को अच्छे रिजल्ट दिख सकते हो। और यू नो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप जब भी कलर करते हो क्लाइंट से कन्वर्सेशन करो, बात करो, कभी भी ना बात करते वक्त ये नहीं कि घर की बात शुरू कर दिया, नहीं, जस्ट टॉक टू देम नाइसली, पॉजिटिवली, पॉजिटिव टॉक्स आप कर सकते हो क्लाइंट के साथ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, है ना, आपका क्लाइंट हमेशा आपके पास ही आएगा। टॉक टू देम नाइसली एंड गिव देम यू नो हैप्पीनेस, हमेशा अच्छा रिजल्ट दीजिए, क्लाइंट हमेशा आपके पास आएगा। सो दिस इज माई स्मॉल ओपिनियन टू यू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड एप्लीकेशन किया, फिर लेफ्ट हैंड साइड एप्लीकेशन किया, और जब आप एप्लीकेशन करते हो देन यू हैव टू लीव फॉर दिस कलर एटलीस्ट 35 मिनट्स। पूरा एप्लीकेशन पहले रूट टचअप किया, नीचे एप्लीकेशन करने के बाद टोटल कंप्लीट, देखो टाइम तो छोड़ना ही है, पर ये हम TTI कर रहे हैं, टेक थ्रू इमीडिएटली। ये स्ट्रॉन्ग फेडिश तो नहीं था, बट ये TTI ही करना है जिससे कि कलर थोड़ा लॉन्ग लास्ट करे। लगाते ही रूट टचअप, लगाते ही नीचे एप्लीकेशन करना है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे पूरा ओवरऑल एप्लीकेशन करने के बाद देन यू हैव टू लीव फॉर अगेन 35 मिनट्स। एंड हियर यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन गाइज, कितना ज़्यादा ग्रे था ना, स्टबन ग्रे, वही मैं बता रही हूँ। इस टेक्निक से करो जैसे मैंने समझाया आपको, एक ड्रॉप सी मिक्स कर दो, रियली में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। सो गाइज कुछ सीखा आपने इस ट्यूटोरियल से, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, सी यू गाइज, बाय।